Hello viewers, welcome back to your channel Exam Concept. आज मैं आपके सामने लाया assertive narration के जो पहले मैंने 10 assertive narration मैंने upload किए थे उनको आज उल्टा करें। आज का वीडियो इसी के ऊपर है जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन हमने किए थे, that means we have done from interchange from डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। आज जो हम करने जा रहे हैं, आज का टॉपिक में हम लोग करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का नरेशन एसआरटी सेंटेंस का। ओके, तो आज का वीडियो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा हुआ है असर्टिव इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये सब नहीं है, अभी हमें इन सबको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बैठना है। चलिए एक के बाद एक हम सब मिलके शुरू करते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे You can see the question is he told me that he had done his work. यहाँ पे भी मैं आपको बोलूंगा, that means I would like to tell you that only 3 you have to follow. Only 3 steps. First, अगर that है or told है SRT में, हर सेंटेंस का जहां पे दैट है उस दैट को हटा दीजिए और कॉमा इनवर्टेड कॉमा वहां पे बैठा दीजिए। हम भी वही करेंगे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन, ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज वर्क। तो मैंने पहले बोला था दैट को चूज कीजिए, ये दैट यहाँ पे है, इस दैट को चूज कीजिए। इस साइड एक सेंटेंस है, दिस इज अनदर सेंटेंस। नाउ हियर यू हैव टू यूज कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमा। वेरी गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही आएगा, टोल्ड को काट के, टोल्ड है पास्ट टेंस, तो टोल्ड अगर है यहां पे, इफ टोल्ड इज देयर देन इंस्टेड ऑफ टोल्ड यू हैव टू राइट said. So he told के जगह पे he said. और यहाँ पे हमने टू काट दिया था वहां पे, अब यहाँ पे टू जुरा लगा, जुरा करना पड़ेगा, टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिंस, दैट हट गया। नाउ यू सी हियर ऑल्सो ही व्हेन बोथ द Now the subject he is there, then you have to bring I. Complete. This is the second step. First step in तीनों में, that is comma inverted comma बैठना है, हो गया। Second step इसको follow करना पड़े, कौन है? He told me that he, double he is there, that's why you have to bring I. Now third step you see here it is written had done मतलब क्या है यहाँ पे? Past perfect। अगर sentence में had plus VPP नजर में आता है तो आपका answer past tense में करना पड़ेगा। The third step. So I had done his work. Sorry, he had done his work. तो answer आएगा I did, मैंने किया मेरे काम, my work, complete, this is very simple. Second number question में आ जाए, he told me that, again यहां पर दिखे that है, that की जगह पे हमने कॉमा और इनवर्टेड कॉमा बैठा दिया। राजू है यहां पे, राजू लिखा,
टोल्ड है काट के सेट करना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा और मी बैठना पड़ेगा। तो क्या राजू सेट टू मी, राजू भी लड़का यहाँ पे ही भी है, तो राजू नाउन एंड इज अ प्रोनाउन, तो ही यहाँ पे भी है तो इसके जगह पे आएगा आई। वुड है यहाँ पे, वुड का वुड पास्ट फॉर्म में आता है, तो वुड का प्रेजेंट फॉर्म होता है विल। आई के साथ विल नहीं बैठते तो आई के साथ शैल बैठना पड़ेगा, आई शैल मीट। राजू ने बोला मुझको, क्या बोला राजू मुझको, जे मैं तुमसे, दैट आई शैल मीट यू, मी है यहाँ पे, क्या आएगा यू। द नेक्स्ट डे, ना द नेक्स्ट डे मीन्स टुमोरो, कंप्लीट। थर्ड नंबर यहाँ पे दैट देखिए, यहाँ पे है दैट, दैट की जगह पे मैंने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे दिया। द बॉय टोल्ड मी, तो वेरी सिंपल, द बॉय सेड टू मी, द बॉय सेड टू मी, द बॉय ने बोला, द बॉय सेड टू मी, द बॉय टोल्ड मी, द बॉय मुझे बोला हिज फादर, द बॉय का फादर मतलब माय फादर। यहाँ पे भी देखिए वुड है, वुड मतलब पास्ट टेंस है, तो माय फादर थर्ड पर्सन, यहाँ पे हम विल बैठा सकते हैं, माय फादर विल मीट, अगेन मी है, उसका पिताजी मुझसे मुझसे मिलना चाहता है, दैट मींस उसने बोला है मेरा पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं, मीट यू। सुन कंप्लीट। फोर नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे देखिए Hari replied that he had no money to lend it. यहाँ पे told नहीं है, पर यहाँ पे replied के बाद that है, इज दैट, इसलिए that के जगह पे comma inverted comma लगा दिया। Hari replied है indirect speech, तो यहाँ पे Hari said। अच्छा, यहाँ पे भी Hari and he, that is I, had no money. That means had के पास कोई भीपीपी नहीं है, had done, had gone, had given, ऐसा नहीं है, just had no money है। तो had अगर simple है यहाँ पे, तो इसके against में आता had या has, मगर I है, I के साथ have बैठेगा, that means I have no money to lend, that means Hari ने reply किया। यहाँ पे देखिए me नहीं है, me होता तो you होता, तो Hari said, अभी यहाँ पे किसी एक को पकड़ना पड़ेगा, राम रहीम किसी को, तो Hari said that I have no money to lend you, तो Hari ने बोला, राहुल को बोला, राजू को बोला, किसी को बोला, जे मेरे पास पैसा नहीं है तुमको धार देने का, आई हैव नो मनी टू लेंड। कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव यू सी, ही टोल्ड हिज वाइफ, वेरी सिंपल, हिज वाइफ, यहाँ पे देखिए दैट है, इस दैट के जगह पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो चुका, तो ही आएगा, टोल्ड के जगह पे सेड टू हिज वाइफ, Hari सेड टू हिज वाइफ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अगेन ही, सॉरी ही टोल्ड हिज वाइफ, तो ही सेड टू हिज वाइफ, अगेन यहाँ पे ही है, तो मतलब आई, माइट, माइट पास्ट टेंस है, इसका होता मे, आई मे बी
वेरी सिंपल. नेक्स्ट वन यू सी क्वेश्चन नंबर सिक्स दैट यहाँ पे है, तो दैट के जगह कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा. मोहन है, मोहन यहाँ पे आएगा. मोहन सेठ, यहाँ पे मोहन सेठ बैठेगा दिया हुआ है क्योंकि उसके बाद ही कॉमा शुरू हो चुका. मोहन सेठ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मींस अगेन मोहन है लड़का है, उसके बाद ही है, दैट मींस आई. यहाँ पे देखिए ये गोज है, यहाँ पे ओवेंट नहीं है. जेनरली ओवेंट होता है प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस होता है, मगर यहाँ पे गोज है, मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो डेली का काम करने वाला कोई चीज है. एवरी मॉर्निंग लिखा, हर दिन जाता है, एक दिन नहीं जाता था, हर दिन जाता है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा. दैट मींस आई गोज है, यहाँ पे ही है थर्ड पर्सन, इसलिए गोज है. आई के साथ ईएस नहीं चाहिए, तो आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, हर दिन मैं जाता हूं, एक दिन का बात नहीं, हर दिन का बात. वेरी सिंपल. सेकंड नंबर यू सी टोल्ड हर दैट, यहाँ पे भी दैट देखिए, इसके जगह पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो जाएगा. यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई, वेरी गुड. तो आई सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस अगेन आई है, तो सब आई है, तो आई आएगा. यहाँ पे भी देखिए हैड है, उसके बाद वर्ब नहीं है, हैड गन हैड डन नहीं है, तो आई हैव, I have no time for that है यहाँ पे, that की जगह पे यहाँ पे आएगा for this. ये सब comma in आ जाएगा last में. Okay, inverted comma close करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर एट, रहीम सेठ, यहाँ पे भी दैट है, तो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो जाएगा. तो रहीम सेठ ही रहेगा यहाँ पे, रहीम सेठ हिज मदर, मतलब रहीम का मदर, माय मदर, हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर. Had been suffering from fever मतलब past perfect continuous tense, इसलिए present perfect continuous tense पे लाइए. तो my mother has been suffering from fever. Full stop in the document. Now question number नाइन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर नाइन, हियर यू सी ही टोल्ड मी दैट ही वुड रिटर्न माय बुक द नेक्स्ट डे. सो इज दैट यहाँ पे नजर में आया, तो यहाँ पे कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिंस. ही है यहाँ पे, ही बैठेगा, टोल्ड के जगह पे सेड आएगा, एज वेल सेड टू मी, वेरी गुड. डबल ही इज देयर, ही एंड ही, दैट्स व्हाई यू हैव टू ब्रिंग आई. यहाँ पे वुड है, फ्यूचर टेंस पास फॉर्म में है, तो आई शैल आएगा. आई के साथ विल नहीं बैठेंगे, आई शैल रिटर्न, रिटर्न आई बोला तो मैंने बुक रिटर्न करूंगा तुम्हारा, दैट मींस कॉल योर बुक द नेक्स्ट डे, दैट मींस कॉल टुमारो. क्वेश्चन नंबर टेन, रश्मि सेज, यहाँ पे दैट है, दैट के जगह कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस. रामनी, रामनी क्या नाम है, रामनी सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस. रामनी है यहाँ पे, शी है लड़की है, शी है, दैट मींस आई. देखिए सेज है प्रेजेंट टेंस, और यहाँ पे भी दिया हुआ है इज गोइंग टू स्कूल देन, अरे प्रेजेंट टेंस और ए भी प्रेजेंट टेंस है, तो दैट मींस ये आंसर भी प्रेजेंट टेंस में करना पड़ेगा. ए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू स्कूल
नाउ, देन के जगह पे नाउ आता है. कंप्लीट. नाउ टेन नंबर का इलेवन नंबर, अर्जुन टोल्ड मी दैट वाज हिज बुक. इट इज वेरी ट्विस्टेड क्वेश्चन. डबल दैट है यहाँ. अब ये आपको सॉल्व करना है. ये आपके लिए दिया है. दैट मीन्स कॉल्ड व्हाट यू हैव अंडरस्टूड. यू प्लीज राइट द आंसर एंड सेंड मी इन द कमेंट बॉक्स. आई होप दैट एवरीबडी कैन सॉल्व दिस आंसर. इज वेरी सिंपल. जस्ट थिंक बिफोर यू डू. जस्ट वंस यू थिंक एंड देन यू प्रैक्टिस. ओके देन. Have a nice day. अभी बाकी मुझे लगता है जो आप लोग सॉल्व कर देंगे इसको, ये कोई बड़ा नहीं है.